चंद्रगुप्त और चाणक्य बिरजू की बौद्धिक कुशलता से पाटलिपुत्र के नगर द्वार से निकलने में सफल हो जाते हैं, परंतु अमात्य के विशेष सैन्य अधिकारी और चंद्रगुप्त के युद्ध में बिरजू को अपनी जान गंवानी पड़ती है। घटनास्थल पर पहुंच अमात्य को तब गहरा आघात लगता है जब वो अपने सारे सैनिकों को मृत पाता है। उधर चाणक्य चंद्रगुप्त को उसकी बुद्धि एवं साहस के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी बार बार के पराजय से बौखलाए धनानंद को उसके गुप्तचर के संदेश से उम्मीद की नई किरण दिखाई देती है। उधर घने जंगल में आगे बढ़ते हुए चाणक्य और चंद्रगुप्त को मगध के सैनिकों का मृत शरीर देख नए संकट का आभास होता है। आचार्य, यहाँ इस भीड़ में इन अखनवियों को ढूंढेंगे कैसे? इसकी चिंता मत करो, अखनवी अपने क्षेत्र में अपरिचित आगंतुकों को स्वीकार नहीं करते, वो स्वयं हमें ढूंढ लेते। चलिए आचार्य, यहां रुकना ठीक नहीं।
आचार्य ऐसे स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। अतिथि कहाँ है उनके? घुस बैठिए, अपने क्षेत्र में अनाधिकार घुसने वालों का ये ऐसे ही स्वागत। तो मेरा एक काम करो, मुझे अपने मुखिया अहिर्या के पास ले चलो। हमारे मुखिया के पास तुम जैसे मूर्खों के साथ सर खपाने का समय नहीं है। तुम दोनों के पास जो कुछ भी मूल्यवान वस्तु है उसे लूट कर हम लटका देंगे पेड़ से मारकर। हाँ हाँ, हमें जो यहाँ मिलता है हम उसके साथ ऐसा ही करते हैं। ऐसा दुस्साहस, मेरे आचार्य से भद्र व्यवहार। चंद्रगुप्त, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें, तुरंत अपने मुखिया अहिर्या के पास जाओ और उसे कहो कि उसका परम मित्र चाणक्य आया है उससे मिलने। और यदि तुम्हारे मुखिया को यह पता चल गया कि तुमने उसके मित्र के साथ कैसा व्यवहार किया है तो वो तुम्हें मृत्यु दंड से भी अधिक भयानक दंड देगा। निर्णय तुम्हारे हाथ में है, जो करना है कर लो हमारे साथ। तुम ठीक हो जाओ। आचार्य, आचार्य, ये अहिर्या आपका मित्र है? मैं उसे जानता तक नहीं। तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? इनका मुखिया ये जानने के लिए कि कौन है चाणक्य जो उसके मित्र होने की बात कर रहा है, हमें अवश्य बुलाएगा। विंध्य पर्वत श्रृंखला के महान मुखिया, आपसे मिलने के लिए कोई चाणक्य आया है। उसके साथ उसका एक मित्र भी है। तो अपने आप को आपका मित्र बता रहा है।
क्या नाम बताया उसने? चाणक्य। चाणक्य? चाणक्य कहाँ सुना है? कहाँ सुना है चाणक्य? शंभा, जाओ जाकर मगध के उस संदेशवाहक को हमारे सामने आओ, जाओ। शंभा, शंभा। जो संदेश हमें कुछ समय पहले सुनाया था, फिर से सुना। विंध्य पर्वत के महान मुखिया अखनवियों के बाप अहिरिया, शुम्भा, हम जानते हैं कि तुमने कभी मगध की सत्ता को नहीं माना, फिर भी हम तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव भेज रहे हैं। तुम और तुम्हारा कबीला इसे मानकर बहुत धनी बन सकते हो। शुम्भा, शुम्भा। यदि तुम मगध के शत्रु चाणक्य और उसके शिष्य चंद्रगुप्त को हमें सौंप दो तो मगध तुम्हें मुंह मांगा स्वर्ण देगा। शंभा, शंभा। वाह, क्या बात है। स्वर्ण, मुंह मांगा स्वर्ण, मगध का राजा हमें मुंह मांगा स्वर्ण देगा। स्वयं को हमारा मित्र बता रहा है। शुम्भा, शुम्भा। अपने राजा से कह स्वर्ण तैयार रखे। एक ऐसे योद्धा को बुलाया है हमने जिसने इन अखनवियों का पहले भी सामना किया है। इस प्रोग्राम के प्रायोजक प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा? किसकी प्रतीक्षा आचार्य? इन वनवासियों की या उस क्षण की जब जंगली आक्रम में मार डालेंगे? धैर्य रखो चंद्रगुप्त, इन वनवासियों को तुम जंगली कह रहे हो जबकि हमारे सभ्य समाज में इनसे कहीं अधिक हिंसक और जंगली लोग रहते हैं। धनानंद से बड़ा जंगली कौन होगा?
ये वनवासी बिना सुविधा के हमसे अच्छे हैं। मगध के निरंकुश शासक के समक्ष इन्होंने घुटने नहीं टेके, क्या ये कम है? महाराज धनानंद ये देखना चाहते थे कि आपकी भुजाओं में आज भी वो तेज है या नहीं। तो अब क्या विचार है आपका? यही कि जिस अभियान के लिए आपको चुना जा रहा है उस अभियान के लिए आपसे श्रेष्ठ योद्धा और कोई हो ही नहीं सकता। दूत अभी तक लौटा नहीं है, कहीं उस मूर्ख अहिर्या ने हमारे दूत का वध तो नहीं कर दिया? महाराज यदि हम चाहते हैं कि अखनवी चाणक्य को बंदी बनाकर हमें सौंपे तो हमें अपने दूत के वापस लौटने तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। नहीं रख सकते हम धैर्य, नहीं कर सकते हम प्रतीक्षा। मगधपति हैं हम, धनानंद हैं हम। शत्रु को पकड़ने के लिए हम एक साधारण से दूत की प्रतीक्षा करें? तित कट धिन्ना। अरे नया विकल्प गढ़ेंगे हम, नया मार्ग बना सकते हैं हम। एक ऐसे योद्धा को बुलाया है हमने जिसने इन अखनवियों का पहले भी सामना किया है। क्या मैं जान सकता हूं महाराज की वो है कौन? तुम उसे भली भांति जानते हो अमात्य। भद्र सत्र सत्र
पाटलिपुत्र में एक बार फिर से आने का अवसर मिला तो लगा कि काम के लिए आज भी इससे उपयुक्त स्थान पूरे विश्व में दूसरा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि यहां आप चाहे जितनी बार भी सौंपे हुए उत्तरदायित्व को टालते जाइए, कोई आपको आपके पद से नहीं हिलाएगा। त्रिगड़दा, त्रिगड़दा, त्रिगड़दा। क्यों अमात्य, आपने कितनी बार चाणक्य को भागने दिया? राजकीय शिष्टाचार की सीमा में रहने का प्रयास करें, अन्यथा हम ये भूल जाएंगे कि आप मगध के सम्मानित सामंत। मगध के राज सिंहासन के लिए अपमानजनक आक्षेप करने वाले को हमें राजकीय कारावास में भी भेजना पड़ सकता है। ना 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 मात्य प्रमुख, भला मैं कैसे मगध के राज सिंहासन का अपमान कर सकता हूं? अरे इसके लिए तो मेरे प्राण भी निछावर है। मगर आप जैसे ज्ञानियों के लिए, जिन्हें इस राज्य से भरपूर सुख सुविधाएं और अपार सम्मान मिलता है, फिर भी सौंपा हुआ एक काम पूरा नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए मेरे मन से चुपती बातें ही निकलती है, मैं क्या करूं बताइए? आपका ऐसा दुसाहस, या आप अमात्य राक्षस का अपमान करें? धनक धनक धन धा धा धा। आप दोनों की जुगलबंदी सदा ही इतनी मनोरंजक रही है कि जी करता है कि चलने दो। किंतु ये समय मनोरंजन का नहीं है। मैं जानता हूं महाराज कि मगध का अपार स्वर्ण दाव पर लगा है, किंतु अब आपका स्वर्ण भी बच जाएगा और वो चाणक्य और चंद्रगुप्त आपके सामने बंदी बनकर प्रस्तुत भी हो जाएंगे। त्रिगड़दा, 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 त्रिगड़दा। ये भद्रसाल आपको वचन देता है। ऐसे वचन हमारे लिए स्वर्ण जैसे ही प्रिय है। सुन के ही आत्मा प्रसन्न हो गई। त्रिगड़दा, मित्रता की आड़ में अपने जीवन की भीख मांगने वाले भिखारी। मेरे आचार्य का अपमान करेगा तू? भिखारी बोलेगा उनको? तुझसे बहुत पड़े मेरे आचार्य। तो तुम चाणक्य हो? इन्हें अपने आप को हमारा मित्र बता रहे थे, और हम तो तुम्हें जानते नहीं। फिर तुम हमारे मित्र कैसे हुए? शुंबा, शुंबा। मैं चणिपुत्र चाणक्य, तक्षशिला के गुरुकुल का आचार्य। मेरी ओर से आपके लिए एक सप्रेम भेंट।
किसी के सीमा प्रदेश में बिना निमंत्रण के चोरी छिपे घुसने वाला हमारा मित्र नहीं हो सकता। भिखारी हो तुम, भिखारी। हम अखनवियों के दया के भिखारी, मित्रता की आड़ में अपने जीवन की भीख मांगने वाले भिखारी। मेरे आचार्य का फोन करेगा तू? भिखारी बोलेगा उनको? तुझसे बहुत बड़े हैं मेरे आचार्य। शुम्बा शुम्बा, ये बच्चा तो बोलता भी है। हमने तो सोचा था कि इस बच्चे के मुंह में जिह्वा ही नहीं होगी। अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो। भड़ाने दो इसको। हमें तो इन दोनों के बदले मगध से बहुत सारा स्वर्ण लेना है। अमात्य प्रमुख मुद्रा राक्षस के प्रस्ताव को स्वीकार करने की सोच रहे हैं आप? अमात्य के प्रस्ताव वाली बात तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया तुम्हें? मैं जानता था। हमारे विंध्य पर्वतीय जंगलों में घुसने की सूचना जैसे ही अमात्य को मिलेगी, वे आपके समक्ष हमारे बदले एक लुभावना प्रस्ताव अवश्य भेजेंगे, क्योंकि आपके क्षेत्र में उनका वश चलता नहीं है। उन्होंने सोचा होगा कि आपके लोग ही हमारा पता लगा पाएंगे, किंतु मैं आपसे मिलकर आपका मन बदलना चाहता हूं। शुम्भा शुम्भा, बातों से तो तुम बहुत समझदार लगते हो ब्राह्मण। इतना सब कुछ जानते हुए भी मौत के मुंह में चले आए क्यों? एक बात सदैव याद रखना, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। मगर जितना हमारा शत्रु है उतना आपका भी। बस एक कारण से वो आपको भिन्न दृष्टि से देख रहे हैं। उनकी तलवार और आपकी गर्दन के बीच विंध्य पर्वत का ये जंगल है जो उनका रास्ता रोके खड़ा है। धनानंद को यदि किंचित मात्र भी अवसर मिल गया तो वो आपके और आपके कबीले वालों के साथ ऐसा व्यवहार करेगा जैसा वो पाटलिपुत्र में अपनी प्रजा के साथ कर रहा है। जो राजा अपनी प्रजा का नहीं हो सका वो भला आपका कैसे हो सकता है? घृणा करता है वो आपसे, क्योंकि आप जब चाहे उसके सार्थवानों को लूटकर इस जंगल में छिप जाते हैं जहां उसका कोई वश नहीं चला। घृणा करता है वो आपसे क्योंकि आप उसके मगध की सीमा में रहकर भी स्वतंत्र हैं, और धनानंद स्वतंत्रता का शत्रु है, स्वाभिमान से जीने वालों का शत्रु है, धूर्त है। इसीलिए आपको लोभ देकर स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को पकड़ना चाहता है। एक स्वतंत्र को लोभ देकर दूसरे स्वतंत्र को मिटाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि दो एक समान सोच वाली शक्तियां मिलकर उसके विरुद्ध एक बड़ी शक्ति बन सके। मित्र नहीं है वो अखनवियों का, मित्रता का मुखौटा पहनकर प्रलोभन दे रहा है आपको। तुम्हारी बातों से लगता है ब्राह्मण कि तुम हमारे विषय में बहुत कुछ जानते हो। तो ये भी जानते होंगे कि हम अखनवियों को सबसे प्रिय क्या है? स्वर्ण। हम अखनवियों को सबसे प्रिय है
सुना तुमने ब्राह्मण? इतने सब संकट को जानते हुए भी तुम यहां हमसे मिलने आए हो तो अवश्य ही मगध से बहुत अच्छा प्रस्ताव लाए होगे ब्राह्मण। प्रस्ताव तो मैं लाया हूं एरिया, किंतु आप और आपके कबीले वालों के लिए स्वर्ण का प्रस्ताव नहीं, अपनी मातृभूमि के लिए लड़कर मरकर अमर होने का प्रस्ताव है। धनानंद के विरुद्ध जो प्रथम अखिल भारतीय सेना गठित की जा रही है उसमें सम्मिलित होने का प्रस्ताव है। मृत्यु का प्रस्ताव लाया है ये ब्राह्मण, मृत्यु का। शंभा शंभा, हे ब्राह्मण, हम अखनवियों को ना राजनीति से कोई मतलब है ना ही तेरी ये बड़ी बड़ी बातों से। हमारे लिए केवल एक ही मूल्यवान वस्तु है, स्वर्ण। स्वर्ण के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यही सत्य है आपका, मात्र स्वर्ण। यदि मैं आपको पाटलिपुत्र का सारा स्वर्ण लाकर दूं और आपसे मात्र एक हत्या करवाना चाहूं तो क्या आप उसकी हत्या कर देंगे? शंभा शंभा, किसकी हत्या करनी है? किसकी हत्या करनी है? कर दो अपनी माँ की हत्या, कर दो अपनी माँ की हत्या। ए बच्चे, मरने के लिए तैयार हो जा। वायु युद्ध का आयोजन किया जा। जीवा काट दूंगा और तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिद्धों को खिला दूंगा। क्या हुआ है? आपने तो कहा था कि स्वर्ण के लिए आप किसी की भी हत्या कर सकते हैं। शब्दों को तोड़ मरोड़ कर मुझसे अपनी बात बनवाना चाहता है? हट मूर्ख, मूर्ख बनाने आया है हमें यहां। मैं एक अध्यापक हूं, मैं शब्दों को तोड़ता मरोड़ता नहीं हूं। मैं शब्दों पर अपनी समझ का प्रकाश डालकर उनके अर्थ बाहर निकालता हूं। अपनी मां की हत्या के प्रस्ताव पर आप इतना क्रोधित हो गए, फिर हम सबकी मां, हमारी मातृभूमि की जब धनानंद हत्या कर रहा है तब आपका रक्त क्यों नहीं उबलता? पिछली 3 पीढ़ियों पहले तक आपके पूर्वज अखनवी खेती किया करते थे, आपका गांव था, खेत थे, किंतु इसी धनानंद के वंशज नंदों की सेना ने आपके पुरखों को चुन चुन कर मारा, आपके खेत जला दिए, गांव जला दिए, और बाकी बचे कुचे अखनवी अपने प्राण बचाकर इसी जंगल में आकर बस गए।
ये सब भूल गए आप अहिरिया? इतनी जल्दी? माना कि इस समय आप इस बीहड़ जंगल के सब कुछ बन गए हैं, पर क्या आपने अपने कबीले वालों के मन में झांक कर देखा? क्या ये नहीं चाहते फिर से अपने पुरखों के गांव, अपने पुरखों के खेत? शांति से अपने गांव में खेती करने वाले सभी अखनवियों की मां अपनी मातृभूमि की जब धनानंद हत्या कर रहा है, तब आपको वैसा क्रोध क्यों नहीं आता जो आपको अपनी मां की हत्या के प्रस्ताव पर आया है? शंभा, शंभा, क्यों अच्छी अच्छी बातें करके मेरी खोपड़ी घुमा रहा है? मैं तो आपकी अंतरात्मा जगा रहा हूं। व्यक्ति पूरी सृष्टि से मिथ्या कह सकता है, किंतु अपनी अंतरात्मा से नहीं। और आप भली भांति जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो स्वर्ण से भी अधिक खरा है। कितना धूल धरे तू? अब मैं समझा वो धनानंद तुझे क्यों मरवाना चाहता है। तू शब्दों के बाण चलाकर लोगों के मन को घायल करता है ना? मैं आपको घायल करने नहीं, अपितु न्याय से आपके और आपके कबीले वालों के मन को जीतने आया हूं। मैं अपने शिष्य चंद्रगुप्त की ओर से आपको वायु युद्ध की चुनौती देता हूं। बुद्धि तो ठिकाने है ना तेरी, पता है ना? वायु युद्ध की चुनौती अखनवियों का सरदार बनने के लिए दी जाती है। नियम मुझे पता है इधर। जब कोई अखनवी कबीले का नेतृत्व करना चाहता है तो वो उसके मुखिया को वायु युद्ध की चुनौती देता है, और जब वो विजयी हो जाता है तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, कबीले का सरदार हो जाता है। आपने भी पिछले मुखिया कगारा को वायु युद्ध की चुनौती देकर ये पद पाया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कबीला हमारा साथ दे और हम ये सहयोग कबीले के नियमों से ही प्राप्त करेंगे। और नियम ये कहता है कि जब कोई एक बार कबीले के समक्ष कबीले के मुखिया को वायु युद्ध की चुनौती देता है तो कबीले के मुखिया को हर मूल्य पर यह चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ती है। फिर तो तुझे यह भी ज्ञात होगा वायु युद्ध में हारने वाले का जीवन जीतने वाले की मुट्ठी में होता है। शंभा, शंभा। ए बच्चे, मरने के लिए तैयार हो जा। वायु युद्ध का आयोजन किया जाए।